हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीसीएल 2019 में जो एग्जाम हुआ था एई का, उसके क्वेश्चंस को। ओके, सो यहां पर आपको क्या करना है, वन बाय वन क्वेश्चन को रीड करना है और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, उसके बाद जो मैं डील करूंगा इस क्वेश्चन को, मैं जो डिस्कस करूंगा, मैं जो आंसर बताऊंगा, उसके साथ आप अपने आंसर को मैच करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ सिग्नल एक्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज स्केच्ड एज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सिग्नल दिया गया है एक्स टी और इस एक्स टी के बारे में हमसे पूछा है कि ये जो सिग्नल एक्स टी है वो किस तरह का सिग्नल है। ऑप्शंस हमारे पास है, ऑप्शन ए में गिवन है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल, ऑप्शन बी में है रियल एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग सिग्नल, ऑप्शन सी में है रियल एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग सिग्नल, ऑप्शन डी में है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल। तो ये जो सिग्नल एक्स टी गिवन है वो किस तरह का सिग्नल है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये जो सिग्नल है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्नल में एक्सपोनेंशियल टर्म भी है, लाइक दिस, देखिए इस तरह का टर्म है, यानी कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग है, राइट। अगर एक सिग्नल ऐसा गिवन हो तो ये जो सिग्नल होता है एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग सिग्नल होता है, ई रेज टू दी पावर ए टी इसका इक्वेशन बनेगा और इसके साथ मर्ज किया गया है एक साइनोसॉइडल सिग्नल। ओके, सो यहां पर हम कहेंगे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और साइनोसॉइडल सिग्नल, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि यहां पर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग सिग्नल होता तो सिग्नल हमारा कैसा होता वो आप देख लीजिए। यहां पर सपोज दिस इज सिग्नल एक्स टी वर्सेस टी और हमें ड्रॉ करना है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल को, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग सिग्नल, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ओके, अब इसमें हमें मर्ज करना है साइनोसॉइडल सिग्नल को, इसमें जब हम मर्ज करेंगे साइनोसॉइडल सिग्नल को तो सिग्नल हमारा ऐसा होगा, लाइक दिस, दिस इज साइनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग, राइट। ये हो गया एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल और ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग साइनोसॉइडल सिग्नल, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट विच टेक्स 10 मिली एम्पीयर एट 50 मिली वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम, हाउ मच रेजिस्टेंस इज टू कनेक्ट अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट सच दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर 0 टू 10 एम्पीयर करंट। इट मींस एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर करता है 10 एम्पीयर, वो 10 एम्पीयर को ड्रॉ करता है, वो कब ड्रॉ करता है, जब उस इंस्ट्रूमेंट के अक्रॉस 50 मिली वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया हो तो, राइट। यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज अक्रॉस द मीटर पीएमएमसी मीटर इज 50 मिली वोल्ट वोल्टेज है, तो वो करंट कितना ड्रॉ करता है, वो जो करंट ड्रॉ करता है मीटर करंट आई एम, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 10 मिली एम्पीयर, 10 मिली एम्पीयर का करंट वो लेता है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो मीटर का रेसिस्टेंस होगा, मीटर रेसिस्टेंस आर एम, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई, इट मींस 50 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पीयर। यहां से आपको आर एम की वैल्यू मिलेगी 5 ओम, जो मीटर रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 ओम, राइट। तो 5 ओम का रेसिस्टेंस इसका मीटर रेसिस्टेंस है। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ मच रेसिस्टेंस इज टू कनेक्ट अक्रॉस द इंस्ट्रूमेंट सच दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अप टू 10 एम्पीयर करंट। यानी कि अभी तक मीटर कितने एम्पीयर करंट को रीड कर रहा था, 10 मिली एम्पीयर को, अब इसको रीड करना है 10 एम्पीयर करंट, राइट।
सो आई विल बी इक्वल टू 10 एम्पियर. इसके लिए जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर यूज होगा m, वो कितना होगा? सो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m इज इक्वल टू होगा जो करंट, अब हम इसको मेजर करवाना चाहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जितने करंट को हम मेजर करवाना चाहते हैं वो करंट i, डिवाइडेड बाय मीटर करंट. इट मींस यहां से हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पियर. इट मींस m की वैल्यू हो जाएगी 1000, राइट? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है 1000, ओके? सो इसमें जो शंट रेसिस्टेंस यूज होगा RSH, शंट रेसिस्टेंस जो इस इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाएगा वो कितने का होगा? मीटर रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय m माइनस 1. इट मींस 5 ओम डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 1. यहां पर देखो 1000 माइनस 1, 1000 इज अ बिगर नंबर, 1 इज वेरी वेरी लेस इन फ्रंट ऑफ 1000, ओके? तो आप 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं, यहां पर आप इसको नियर अबाउट लिख सकते हैं 5 अपॉन 1000. सो 5 अपॉन 1000 मींस व्हाट? 0.005 ओम. सो 0.005 ओम का रेसिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट में हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. ध्यान रखना इसको, इसको कहां कनेक्ट करना है? पैरेलल में. सो ऑप्शन कौन सा सही होगा? लास्ट ऑप्शन देखिए, 0.005 ओम. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके? आई होप आपने जब सॉल्व किया होगा आपका भी यही आंसर आया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए खुद से, बताइए इसका आंसर क्या होगा. आप नोट डाउन करिए, एक पेपर पेन लेके बैठिए और आप नोट डाउन करिए खुद से आंसर को. द एडी करंट लॉस इन अ मैग्नेटिक कोर सब्जेक्टेड टू अ टाइम वेरिंग फ्लक्स इज व्हाट? यहां पर एडी करंट लॉस के बारे में पूछा है. एडी करंट लॉस PE, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर. यहां पर BM है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, F है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी और T है थिकनेस ऑफ द लैमिनेशन, राइट? जो मैग्नेटिक कोर हम यूज करेंगे तो कोर हमारा वो स्टैकिंग के फॉर्म में होता है ना, एक सॉलिड कोर नहीं होता है, वो लैमिनेटेड होते हैं, बहुत ही पतले पतले से उसमें लैमिनेशन यूज होते हैं, राइट? सो उसका जो थिकनेस है, लैमिनेशन का थिकनेस टी, उसके स्क्वायर के भी प्रोपोर्शन होता है एडी करंट लॉस, राइट? यहां पर गिवन है बीएम स्क्वायर एफ स्क्वायर ऑप्शन ए में. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. इस क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द पावर एब्जॉर्ब बाय जनरलाइज सर्किट इफ वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट. एक जनरलाइज सर्किट दिया गया है, इसमें वी को बोला गया है कि वी इज इक्वल टू 10 वोल्ट है और इसमें करंट को शो किया गया है 8.5 एम्पियर. आप करंट का डायरेक्शन देखो और वोल्टेज की पोलैरिटी देखो, यहां से आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है वो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर एक्चुअली में वो पावर डिलीवर कर रहा है, ये भी तो जानना जरूरी है ना. देखिए यहां पर ये कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई भी एक सर्किट है, दिस सर्किट, इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है ऐसा, और इसने कहा है कि इसमें जो करंट है आई, दिस इज इक्वल टू 8.5 एम्पियर. 8.5 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और इसमें जो वोल्टेज की पोलैरिटी है, यहां पर माइनस यहां पर प्लस, और वी की वैल्यू के बने 10 वोल्ट. तो ये जो हमारा सर्किट है ये पावर लेगा या फिर पावर ये डिलीवर करेगा, ये जानना जरूरी है. तो यहां पर आप देखो कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसके वोल्टेज का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इस पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो बाहर की तरफ जा रहा है, लीव कर रहा है करंट. अगर पॉजिटिव टर्मिनल से, वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट अगर लीव करता हो तो वो एलिमेंट, चाहे वो कोई सोर्स हो या फिर कोई लोड हो, लोड भी पावर डिलीवर करते हैं ना किसी किसी कंडीशन में, तो चाहे वो सोर्स हो या फिर लोड हो, उसके वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट लीव कर रहा हो इट मींस वो पावर डिलीवर कर रहा है. अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर रहा हो
तो इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट है वो पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां पर जो जो करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है वो है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को लीव कराने का डायरेक्शन है, इट मींस ये पावर को डिलीवर कर रहा होगा। तो इसका जो पावर डिलीवर होगा वो कितना होगा, V into I, राइट। पावर डिलीवर V into I, वोल्टेज है 10 वोल्ट और करंट है 8.5, इट मींस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85 वॉट। 85 वॉट का पावर ये जो सर्किट है ये डिलीवर कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां से यहां पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि पावर एब्जॉर्ब बाय द एलिमेंट, पावर एब्जॉर्ब बाय द सर्किट। तो जब डिलीवर कर रहा है 85 वॉट तो एब्जॉर्ब कितना करेगा, एब्जॉर्ब के लिए हम लिखेंगे कि पावर जो एब्जॉर्ब करेगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ पावर डिलीवर, इट मींस दिस इज माइनस ऑफ 85 वॉट, माइनस ऑफ 85 वॉट। ऑप्शन कौन सा सही होगा, माइनस ऑफ 85 यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव में आपसे ये पूछा है कि द थर्मल स्टेशन हैज 85% बॉयलर एफिशिएंसी, 90% टर्बाइन एफिशिएंसी एंड 40% लोड फैक्टर, देन डिटरमिन द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द स्टेशन। यानी कि जो हमारा थर्मल स्टेशन है उसका ओवरऑल एफिशिएंसी आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, बॉयलर की एफिशिएंसी गिवन है, इट इज यूजफुल, टर्बाइन की एफिशिएंसी गिवन है, इट इज आल्सो यूजफुल, लेकिन लोड फैक्टर गिवन है जिसका यहाँ इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं है, अननेसेसरी डेटा है, राइट। जो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट होगा, देखो ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट ये हो जाता है एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर मल्टीप्लीकेशन विथ एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन, और अगर क्वेश्चन में तुम्हारा वो अल्टरनेटर का अगर जो एफिशिएंसी गिवन हो उसको भी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ अल्टरनेटर यानी कि जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर यूज होता है पावर प्लांट में उसकी मैं बात करूं, अल्टरनेटर, राइट। इन तीनों के एफिशिएंसी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल जो हमारा पावर प्लांट है उसकी एफिशिएंसी आपको मिल जाएगी। यहां पर दो एफिशिएंसी आपको दिया गया है, बॉयलर की एफिशिएंसी विच इज 85%, टर्बाइन की एफिशिएंसी 90%, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बॉयलर एफिशिएंसी 85% यानी कि 0.85 मल्टीप्लीकेशन विद टर्बाइन एफिशिएंसी विच इज 90%, इट मींस 0.9, सो 0.85 इनटू 0.9 कितना हो जाएगा, दिस इज 0.765, इट मींस आप इसको परसेंटेज में लिखोगे ना 76.5%, ये हो जाएगा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। ऑप्शंस को देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी 76.5%, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स अकर इन ओनली इन एसी मेजरमेंट, सिर्फ और सिर्फ एसी मेजरमेंट में इनमें से कौन सा एरर आता है, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिर्फ और सिर्फ एसी मेजरमेंट में इनमें से कौन सा एरर आएगा। ऑप्शन ए में कौन सा है, ऑप्शन ए में गिवन है एरर ड्यू टू चेंज इन इम्पेडेंस ऑफ द क्वाइल एंड स्ट्रे फीड्स, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में है एरर्स ड्यू टू हिस्टेरेसिस एंड स्ट्रे फील्ड, ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी में है एरर्स ड्यू टू चेंज इन इम्पेडेंस ऑफ द क्वाइल एंड चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडी करंट्स, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर होगा करेक्ट आंसर, राइट, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा ओनली इन एसी, यहां पर ओनली है ओनली इन एसी मेजरमेंट, इसमें से कौन सा एरर होगा, तो ऑप्शन सी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है, द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हैज अ कॉइल रेसिस्टेंस ऑफ 10 ओम एंड इट कैन टेक मैक्सिमम करंट ऑफ 100 मिली एम्पीयर। व्हाट मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द वोल्टेज इन द रेंज 0 to 500 वोल्ट। 0 to 500 वोल्ट के वोल्टेज को मेजर करना है, लेकिन इसने दिया क्या है, इसने दिया है मेजरिंग करंट। इसने बोला है कि इट कैन टेक मैक्सिमम करंट ऑफ 100 मिली एम्पीयर। इसने करंट दिया है और रेसिस्टेंस भी गिवन है, जो कॉइल का रेसिस्टेंस है, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ना, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, इट मींस परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि पीएमएमसी को हम शॉर्ट में एमसी इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, राइट। सो इन केस ऑफ मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यहां पर मीटर रेसिस्टेंस गिवन है, मीटर रेसिस्टेंस आरएम कितना है, दिस इज 10 ओम, और जो करंट ये ले रहा है वो कितना है, दिस इज 100 मिली एम्पीयर का करंट लेता है। इट मींस ये कितना वोल्टेज मेजर कर रहा होगा एट दिस टाइम, इसका वोल्टेज मेजरमेंट कितना होगा, तो V इज इक्वल टू I इनटू मीटर रेसिस्टेंस RM, यहां पर IM कह दो मीटर का करंट, IM इनटू RM, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनटू 100 मिली एम्पीयर, यानी कि 10 to the power -3। इट मींस जो वोल्टेज है वो कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, दिस इज VM लिख दो यहां पर, VM मीटर का वोल्टेज, VM है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट ये मेजर कर रहा है, और इसका जो मीटर रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम। अब इसको मेजर करना है 500 वोल्ट, तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर कितना होगा, M इज इक्वल टू 500 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 वोल्ट, इट मींस M की वैल्यू आ जाएगी 500। अब आपको चाहिए सीरीज रेजिस्टेंस, बिकॉज दिस इज अ वोल्ट मीटर। इन केस ऑफ वोल्ट मीटर यदि हम उसके रेंज को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, मीटर के साथ सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस। ओके, सो सीरीज रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा आर एम मीटर रेजिस्टेंस इनटू एम माइनस वन। इट मींस मीटर रेजिस्टेंस है 10 इनटू हम करेंगे 500 माइनस वन, व्हाट इज दिस, दिस विल बी इक्वल टू 499 into 10, सो 4990 ओम, दिस इज द सीरीज रेजिस्टेंस 4990 ओम, यानी कि 4.99 किलो ओम। ऑप्शंस को आप देखिए, 4.99 किलो ओम एक ही ऑप्शन में है, 4.99 किलो ओम, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इन सीरीज विद द इंस्ट्रूमेंट, ये पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड करिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन को, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन VCS अपॉन VS फॉर द सर्किट। एक सर्किट है सीरीज RLC सर्किट है, सीरीज RLC सर्किट में जो जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है VC, उसका S डोमेन डिवाइडेड बाय जो अप्लाइड वोल्टेज है VS, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सो यहां पर देखिए, VCS डिवाइडेड बाय VS, VCS क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, कैपेसिटर का रिएक्टेंस इनटू करंट, राइट। इसमें करंट फ्लो करता है I, तो I करंट को यदि मैं S डोमेन में लिखूं लैपलेस में, तो मैं इसको लिखूंगा IS, राइट। और जो इसका इम्पीडेंस होगा, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होगा वो होगा 1/SC, दिस इज इम्पीडेंस, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे IS से, तो ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज मीन्स वॉट, टोटल वोल्टेज मीन्स टोटल इम्पीडेंस इंटू करंट। टोटल इम्पीडेंस क्या होगा, एक इंडक्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ, तीनों कनेक्टेड हैं सीरीज में और तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा IS, राइट। तीनों का इंपेडेंस कितना होगा, इंडक्टर का इंपेडेंस होगा S into L, प्लस रेसिस्टर का इंपेडेंस होगा R, प्लस
कैपेसिटर का इंपेडेंस होगा 1 अपॉन एस इंटू सी, टोटल इंपेडेंस हो गया, तीनों को हमने ऐड किया बिकॉज ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई करेंगे करंट से, और करंट कितना है आई एस, राइट। यहां से आई एस और आई एस को आप कैंसिल आउट कर दो, ओके। न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 अपॉन एस सी, डिनोमेटर में एस सी को हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी एलसीएम ले लेंगे एस सी को, यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर एल सी और प्लस ये हो जाएगा एस आर सी और यहां पर प्लस हो जाएगा 1। यहां से देखो एस सी और ये एस सी हो जाएगा कैंसल आउट, इट मींस जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर एल सी और प्लस एस आर सी प्लस 1, ये ट्रांसफर फंक्शन होगा। ऑप्शंस देख लीजिए, बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में क्या गिवन है 1 अपॉन एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्स इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट दिया गया है, इसमें दो सोर्स लगे हुए हैं, दोनों वोल्टेज सोर्स है, एक का वोल्टेज है VA, दूसरे का वोल्टेज है VB, दोनों सोर्स के द्वारा कितना पावर डिलीवर किया जा रहा है ये हमसे पूछा है। तो यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहां पर हम KCL लगाएंगे, सॉरी KVL लगाएंगे, 1 ओम का रेसिस्टर है, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस इसकी पोलैरिटी ऐसी है, VA इसका वोल्टेज सोर्स, VA इसका वोल्टेज है, मैग्नीट्यूड है 20 वोल्ट, यहां पर एक रेसिस्टेंस है 2 ओम का, यहां पर एक वोल्टेज सोर्स है कनेक्टेड लाइक दिस, यहां है पॉजिटिव यहां है नेगेटिव है, ये जो सोर्स है ये है VB, इसका वोल्टेज है और कितना है 50 वोल्ट है, दिस इज 50 वोल्ट। जो करंट को इसने मार्क किया है वो ऐसा है, जो करंट का डायरेक्शन है वो ये है, दिस करंट इज आई। अब यहां पर आप KVL लिखो, KVL लिखोगे तो जो इक्वेशन बनेगा वो कितना बनेगा, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में चलते हैं, राइट, और फिर इसी एंड पर हमें आना है। देखिए वोल्टेज राइज हुआ है स्टार्टिंग में 20 वोल्ट, 20 वोल्ट वोल्टेज राइज हुआ है, तो मैं यहां पर लिखता हूं प्लस 20, तो प्लस 20। उसके बाद 1 ओम का रेसिस्टर है, करंट फ्लो करेगा आई, वोल्टेज ड्रॉप होगा तो माइनस हो जाएगा 1 इंटू आई, इट मींस आई। उसके बाद वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 50 वोल्ट का, लिखेंगे माइनस 50। उसके बाद 2 ओम का रेसिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा 2 इंटू करंट आई, सो माइनस 2 आई, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से लिखेंगे 20 माइनस 50 इज इक्वल टू 3 आई, इट मीन्स 3 आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30, सो आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 एम्पियर। जो करंट आई है वो है माइनस ऑफ 10 एम्पियर, यानी कि जो डायरेक्शन इस क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल में करंट उस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। यानी कि जो एक्चुअल डायरेक्शन है करंट का वो ऐसा है, ऐसे फ्लो करते हैं, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, राइट, यहां से लीव करता है और यहां पर एंटर करता है, ये है एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नीट्यूड इसको मैं लिखूंगा तो कितना होगा 10 एम्पियर, यहां पर भी कितना होगा, ये होगा 10 एम्पियर। देखो अब यहां से दोनों सोर्स पर सिर्फ आप ध्यान दो, फर्स्ट जो सोर्स है जिसका वोल्टेज है VA, मैं यहां पर दिखाता हूं 20 वोल्ट का ये सोर्स है और करंट इसके अंदर आ रहा है, एंटर कर रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, ये जो करंट है वो एंटर कर रहा है, इट मींस ये जो 10 एम्पीयर का करंट है वो एंटर कर रहा है, इट मींस ये जो वोल्टेज सोर्स है ये एक्चुअली डिलीवर नहीं कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है पावर को, राइट, ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना पावर एब्जॉर्ब करेगा, पी एब्जॉर्ब 20 × 10 यानी कि 200 वॉट, 200 वॉट पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कितना डिलीवर करेगा, तो डिलीवर कितना करेगा, माइनस ऑफ 200, ओके। तो यहां पर हम लिखेंगे पी डिलीवर इज इक्वल टू
माइनस ऑफ 200 वॉट, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरे सोर्स को देखते हैं जो हमारा 50 वोल्ट का है, इसको देखते हैं। 50 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसमें जो करंट है वो यहां से लीव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये लीव कर रहा है 10 एम्पीयर का करंट। सो ये एक्चुअली में पावर को डिलीवर कर रहा है, तो पावर डिलीवर बाय द सोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 × 10, इट मींस 500 वॉट। तो 500 वॉट जो सोर्स बी है वो डिलीवर करेगा और जो सोर्स ए है वो -200 वॉट डिलीवर करेगा। ऑप्शंस आप देख लीजिए, तो यहाँ पर आई थिंक कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, जो करेक्ट आंसर होगा वो मैंने आपको बताया है, बट जो एग्जाम हुआ था तो वहां पर कोई भी आंसर करेक्ट गिवन नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर ऑफ अ डुप्लेक्स लैप वोल्ड फोर पोल डीसी मशीन इज व्हाट। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर ऑफ अ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स नहीं है, डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स मींस जो इसमें मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होगा वो होगा 2, इसमें जो m होगा वो होगा 2, नंबर ऑफ पोल्स कितने गिवन है 4, और वाइंडिंग कैसी है, ये इंपॉर्टेंट है कि वाइंडिंग इसकी कैसी है, वाइंडिंग लैप वुंड है या फिर वेव वुंड है। तो इसकी जो वाइंडिंग है वो गिवन है लैप वुंड। इन केस ऑफ लैप वुंड वाइंडिंग, जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हो जाएंगे, a इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स, ये हो जाएगा p × m, राइट। सो दिस विल बी इक्वल टू p, हमारा क्या है, नंबर ऑफ पोल्स हैं 4 और जो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर है वो है 2। सिंप्लेक्स होता तो m इज इक्वल टू 1 लिखते, लेकिन डुप्लेक्स है तो m इज इक्वल टू 2 होगा। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स कितने हो गए, 8। ऑप्शंस को देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, लास्ट ऑप्शन में गिवन है 8, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा, बिकॉज इसका जो फॉन्ट है वो बहुत ही स्मॉल है। आपको नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, आई डोंट नो, मैं यहां पर लिख देता हूं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं, रीड कर देता हूं पहले। कंसिडर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम विद फीड फॉरवर्ड गेन जी एस इज इक्वल टू के अपॉन s × s+1 × s+2। द रूट लोकी ऑफ द सिस्टम क्रॉस द इमेजिनरी एक्सिस एट वॉट। जो GS गिवन है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं GS को लिख देता हूं, GS इज इक्वल टू K अपॉन s × s+1 × s+2, दिस इज GS। ओके, अब इसमें कहा है कि जो इसका रूट लोकस होगा वो इमेजिनरी एक्सिस को कहां पर कट करेगा, इमेजिनरी एक्सिस को कहां पर कट करेगा इसका रूट लोकस। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें करना होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना होगा, राइट। सो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो कैसे होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 GS × HS = 0। सो 1 GS HS कितना हो जाएगा, k upon s × s+1 s+2, दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आप इसको लिखेंगे कैसे, ये हो जाएगा s² + s × s+2 और प्लस हो जाएगा k, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा थर्ड ऑर्डर सिस्टम है। थर्ड ऑर्डर सिस्टम में इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा s³ और प्लस ये हो जाएगा s² + 2s², इट मींस 3s² प्लस हो जाएगा 2s प्लस हो जाएगा k इज इक्वल टू 0। ये इन केस ऑफ थर्ड ऑर्डर सिस्टम
हम यहाँ पर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ पर राउत अरे यूज करो, राउत अरे आप कंप्लीट फॉर्म में इसको आप यूज कर सकते हो, बट थर्ड ऑर्डर सिस्टम के लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है, तो हम इस शॉर्टकट को यूज करेंगे कि जो इंटरनल इंटरनल कॉफिशियंट का जो प्रोडक्ट है ये एस स्क्वायर का कॉफिशियंट मल्टीप्लीकेशन विथ एस का कॉफिशियंट, इसका मल्टीप्लीकेशन है 6, और जो एस क्यूब का कॉफिशियंट है 1, और लास्ट में जो कॉफिशियंट टर्म है के, तो 1 × k यानी कि के, ये दोनों इक्वल होंगे फोर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। और इस क्वेश्चन में जो कहा है कि जो हमारा रूट लोकस है वो जे ओमेगा एक्सिस पर यानी कि इमेजिनरी एक्सिस पे कट करेगा, तो रूट लोकस को इमेजिनरी एक्सिस पे कट करने का मतलब है कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसा है, वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम है। ओके, के की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो सिस्टम हमारा मार्जिनली स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर के की कितनी वैल्यू होगी, यहाँ से हमें लिखेंगे के इज इक्वल टू 6, यानी कि इसको हम लिखेंगे कि के मार्जिन इज इक्वल टू 6। मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए के की वैल्यू है 6, राइट। अब के की वैल्यू को 6 पुट करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा होगा, इनकेस ऑफ थर्ड ऑर्डर सिस्टम ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारा इन दोनों टर्म्स से मिलकर बनता है, एक ये और एक ये, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ए एस ये हो जाएगा 3s² + k, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर k को आप पुट करोगे 6, यहाँ हमने फाइंड आउट किया था k इज इक्वल टू 6, सो k की जगह पर 6 पुट करोगे, ये हो जाएगा 3s² + 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा s² = -2, राइट। s² = -2, इट मीन्स s इज इक्वल टू √-2, इट मीन्स दिस इज ±j√2, ±j√2, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, लास्ट ऑप्शन देखिए, s इज इक्वल टू ±j√2, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि s इज इक्वल टू ±j√2 पर जो इसका रूट लोकस होगा वो जे ओमेगा एक्सिस पर कट करेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहा है कि अ सिग्नल एक्स टी फॉलोज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, एक्स t plus t is equal to xt for all t, where t is a positive non-zero value, the signal xt is classified as which of the following? यानी कि एक सिग्नल हमारा xt है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं xt plus capital T, and this is equal to xt. अगर ऐसा possible है, किसी भी सिग्नल में अगर ऐसा possible है, तो वो सिग्नल क्या कहलाएगा? ये इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्या वो सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा या फिर पावर सिग्नल कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सिग्नल या फिर नॉन पीरियोडिक सिग्नल कहलाएगा। तो इसका आंसर होगा कि अगर कोई भी सिग्नल इस चीज को फॉलो करता हो तो वो सिग्नल कहलाएगा पीरियोडिक सिग्नल, दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल। ओके, एक्चुअली यहां पर माइनस भी लिखना चाहिए, क्योंकि अगर सिग्नल एक्स t प्लस माइनस t दोनों होगा इज इक्वल टू एक्स टी अगर होता है तो वो पेरियोडिक सिग्नल होता है। यहां पर प्लस माइनस t कहने का मतलब है कि अगर कोई भी सिग्नल है उसमें यदि आप उसके टाइम पीरियड से राइट शिफ्ट करो या फिर लेफ्ट शिफ्ट करो, राइट या लेफ्ट कोई भी शिफ्ट करो, अगर वो सिग्नल हमें सेम सिग्नल मिलता है, इट मीन्स वो सिग्नल पेरियोडिक सिग्नल ही होगा, राइट। सो यहां पर प्लस माइनस दोनों यूज होगा और इसका जो आंसर होगा वो होगा पेरियोडिक सिग्नल, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ yt इज इक्वल टू t·e−5t, ये है yt। अब इसका लैपलेस हमें फाइंड आउट करना है, yt इज इक्वल टू कितना है t into e to the power -5t।
सबसे पहले क्या करना है, जो टी है उसका हमें लैपलेस लिखना है। सो टी का लैपलेस देखो कितना होगा, टी का लैपलेस हो जाएगा 1/s². अब यहां पर हम प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं कि टी का लैपलेस है 1/s², यदि हम इस टी में मल्टीप्लाई कर दें e^-5t से तो इसका लैपलेस कितना होगा, इसका लैपलेस होगा 1 अपॉन जो s है, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है e^-5t से, इसलिए जो s होगा लैपलेस में जो s होगा उसको हम रिप्लेस करेंगे s+5 से। तो यहां पर s² था, s को हम रिप्लेस करेंगे s+5 से, तो ये हो जाएगा s+5 का स्क्वायर। ओके, सो 1/s+5 का स्क्वायर। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन सी में गिवन है 1/s+5 का स्क्वायर, इट मींस सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवेन दैट डी इज इक्वल टू 10x ax कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, डिटरमिन द फ्लक्स क्रॉसिंग अ 1 m² एरिया दैट इज नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू 3 m इज व्हाट। यहां पर आपको फ्लक्स डेंसिटी गिवेन है 10x ax, यहां पर क्या गिवेन है डी, डी इज इक्वल टू 10x ax, दिस इज डी, और आपको क्या दिया गया है एट x इज इक्वल टू 3 m पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करनी है, राइट। सो फ्लक्स जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स साई विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल d.ds, राइट। यहां पर ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी, डी को हम क्या लिखेंगे, डी हमारा है 10x और x की वैल्यू भी बने 3, तो ये हो जाएगा 10 × 3, राइट, डॉट ds, राइट। सो 10 × 3 ये हो जाएगा 30, ये कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा 30 इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया, इट मींस 30 × एरिया, और एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 1 m², सो दिस इज इक्वल टू 30 × 1, इट मींस व्हाट, 30 कूलम्ब, 30 कूलम्ब इसका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो कि पास करेगा 1 m² एरिया वाले एक शीट से, राइट। तो ऑप्शंस को देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए में गिवन है 30 कूलम्ब, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडक्टर हैज अ कांस्टेंट करंट ऑफ 4 एम्पीयर, हाउ मच ऑफ चार्ज पासेस अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 1 मिनट। देखिए यहां पर करंट की वैल्यू गिवन है, वेट ए सेकंड, यहां पर करंट की वैल्यू गिवन है I, I इज इक्वल टू कितना है 4 एम्पीयर, I होता क्या है, दिस इज q/t, इट मींस देखो 4 एम्पीयर का करंट, इसका मतलब है कि 4 कूलम्ब का चार्ज पास करेगा इन 1 सेकेंड। यहां पर जो q होगा, जो चार्ज होगा कूलम्ब में, और जो टाइम होगा ये होगा सेकेंड में, राइट। सो 1 सेकेंड में अगर 4 कूलम्ब का चार्ज पास करता है तो करंट की वैल्यू होगी 4 एम्पीयर, राइट। अब इसने कहा है कि 4 एम्पीयर का करंट है, इट मींस यहां पर चार्ज होगा 4 कूलम्ब और टाइम होगा 1 सेकेंड, बट इसने क्या कहा है कि हाउ मच चार्ज पासिस अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द कंडक्टर इन 1 मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होगा, 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स में कितना चार्ज पास करेगा, 60 सेकेंड में 4 × q = कितना हो जाएगा 4 × 60 सेकेंड, यानी कि ये हो जाएगा 240 कूलम्ब, 240 कूलम्ब का चार्ज पास करेगा इन
60 सेकेंड्स, इट मींस 1 मिनट में तो 240 कूलम पर मिनट ये हो जाएगा चार्ज। ऑप्शंस देख लीजिए, 240 कूलम पर मिनट यानी कि ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में है 240 कूलम पर सेकेंड, ऑप्शन ए इसका आंसर नहीं होगा, कूलम पर मिनट होगा क्योंकि एक मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में 240 कूलम का चार्ज इसमें से पास किया है, यानी कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में कहा है कि इवेलुएट इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी डेल 2t माइनस 2 dt, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इंटीग्रेशन जो गिवन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस टी डेल 2t माइनस 2 dt। यहां पर सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इंपल्स फंक्शन है डेल, इसको हमें इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ये जो गिवन है इंपल्स फंक्शन, इसको सिंप्लीफाई करना, ये इसको हम कैसे लिखेंगे, डेल 2t माइनस 2 इज इक्वल टू डेल, यहां से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, ये हो गया t माइनस 1। ओके ऐसा, अब इंपल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि डेल 2t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डेल टी, तो यहां पर क्या है डेल 2 × t − 1, इसको हम लिखेंगे 1/2 डेल टी माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये इंपल्स फंक्शन है, डेल टी माइनस 1 कहने का क्या मतलब है कि ये इंपल्स फंक्शन है एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर, इट मींस व्हाट, इंपल्स एट टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1 पर एक इंपल्स है और इस इंपल्स का जो एरिया है वो कितना है 1/2, यहाँ जो 1/2 है एरिया है, यानी कि इंपल्स एट टी इज इक्वल टू 1 विद एरिया इज इक्वल टू 1/2, एरिया इसका 1/2 है, राइट। इंपल्स कहां पर मौजूद है, टी इज इक्वल टू 1 पर, तो ये जो फंक्शन है ई रेज टू द पावर माइनस टी, इसमें हम पुट करेंगे टी इज इक्वल टू 1 क्योंकि ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया है, राइट, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, तो देखो देखो एक फंक्शन हमारा क्या है, एक फंक्शन है ई रेज टू द पावर माइनस टी, ये दिस फंक्शन इज ई रेज टू द पावर माइनस टी, और दूसरा फंक्शन है हमारा इंपल्स फंक्शन। इंपल्स फंक्शन कहां पर है, टी इज इक्वल टू 1 पर है, दिस इज टी इज इक्वल टू 0, ये है टाइम एक्सिस, टी इज इक्वल टू 0, यहां कहीं होगा टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो यहां पर इंपल्स है, ये इंपल्स फंक्शन यहां पर मौजूद है। इसके अलावा इंपल्स फंक्शन में जो भी वैल्यूज होंगी वो तो 0 होंगी ना, टी इज इक्वल टू 1 से पहले 0, टी इज इक्वल टू 1 के बाद वैल्यू 0, तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे इस फंक्शन में तो वो तो 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कहां एग्जिस्ट करेगा, टी इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 पर जो इंपल्स फंक्शन है ये भी एग्जिस्ट करता है और टी इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन भी एग्जिस्ट करता है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगा टी इज इक्वल टू 1 पर, इसलिए हम क्या करते हैं टी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं ई रे टू द पावर माइनस टी में, राइट। सो इस इंटीग्रेशन को हम अब ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रे टू द पावर माइनस 1, टी को हमने पुट किया है 1, उसके बाद मल्टीप्लाई विद ये जो हमारा इंपल्स फंक्शन था, इसको हमने कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है 1/2 डेल टी माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 डेल टी माइनस 1। ओके ये एक इंपल्स फंक्शन बना है, राइट। अब इंटीग्रेशन कहने का क्या मतलब है, इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, इट मींस ये जो इंपल्स फंक्शन आपको रिजल्ट में मिला है इसका एरिया आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, इंटीग्रेशन मींस एरिया, राइट। सो ये जो इंपल्स फंक्शन है डेल टी माइनस 1, इसका एरिया क्या होगा, जो इसके साथ कोफिशियंट मल्टीप्लाई होते हैं वही इसका एरिया होता है, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है, इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो ये टर्म है 1/2 e रेज टू द पावर माइनस 1। सो
इट मींस ये हो जाएगा कितना 1 बाय 2 और e रेज टू द पावर माइनस 1 को लिखेंगे 1 अपॉन e, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 e. ये हो जाएगा एरिया ऑफ दिस इंपल्स फंक्शन. इट मींस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2 e. ओके ऑप्शंस को देख लीजिए. ऑप्शन बी 1 अपॉन 2 e, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इस क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वोल्टेज V अक्रॉस द 10 ओम रेसिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट इफ द कंट्रोल वोल्टेज IX इज इक्वल टू 2 एम्पीयर. IX इज इक्वल टू 2 एम्पीयर है. देखिए इस सर्किट को मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं. डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, 4 IX की वैल्यू है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे, IX की वैल्यू की बने 2, तो 4 इंटू 2. एक करंट सोर्स है, यहां पर एक वोल्टेज सॉरी यहां पर एक रेसिस्टर है 10 ओम का, और यहां पर क्या है एक करंट सोर्स है 4 एम्पीयर का कनेक्टेड लाइक दिस. ये अब आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि द फाइंड द वोल्टेज V अक्रॉस द 10 ओम रेसिस्टर. इसके अक्रॉस का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है और वोल्टेज की पोलैरिटी ये है. यहां पर देखिए, तो आप किसी भी नोड पर KCL लगा लीजिए. यहां पर देखिए एक नोड है, दिस इज अ नोड. इस नोड पर अप्लाई करेंगे KCL. यहां पर अप्लाई करना हमें KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ. इस डायरेक्शन में इस नोड पे करंट जा रहा है 8 एम्पीयर, और यहां से 4 एम्पीयर का करंट इधर जा रहा है. दिस इज द 4 एम्पीयर करंट. सो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, इस ब्रांच में करंट जाएगा 8 माइनस 4 यानी कि 4 एम्पीयर. इस ब्रांच में करंट जाएगा 4 एम्पीयर. सो 10 ओम का रेसिस्टर है, इसमें करंट फ्लो करेगा 4 एम्पीयर. वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 4 इंटू 10, इट मींस 40 वोल्ट. पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव होगा, राइट right? क्योंकि जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इसी पोलैरिटी का होगा जिस पोलैरिटी का इसने मार्क किया है, राइट. सो V इज इक्वल टू हो जाएगा 40 वोल्ट, पॉजिटिव में 40 वोल्ट. ऑप्शंस देख लीजिए. लास्ट ऑप्शन है V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन D विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 18. इस क्वेश्चन में कहा है अ कंडक्टर कैरीज अ करंट ऑफ 20 एम्पीयर एंड इज एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड हैविंग अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.9 टेस्ला. इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द फील्ड इज 30 सेंटीमीटर कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. इसमें एक कंडक्टर पे फोर्स कितना अप्लाई किया जाएगा बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हमसे पूछा गया है. और जो हमारा कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर है. करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें कितना है, करंट है 20 एम्पीयर, 20 एम्पीयर का करंट है. और राइट एंगल है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, यानी कि यहां पर यदि हम थीटा की बात करें तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, राइट. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि B की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू गिवन है 0.9 टेस्ला, B की वैल्यू है. अब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वो है 30 सेंटीमीटर. सो लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 30 सेंटीमीटर, इट मींस 0.3 मीटर, राइट. फोर्स फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा. सो फोर्स विल बी इक्वल टू हो जाएगा F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. यहां पर B की वैल्यू है 0.9, यहां पर करंट गिवन है 20 एम्पीयर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है 0.3 और साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री ये हो जाएगा 1. सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 0.9 इंटू 20 इंटू 0.3. 0.9
इंटू 0.3 इंटू 20, ये हो जाएगा 5.4. व्हाट इज दिस? दिस इज 5.4. 5.4 न्यूटन, इतने न्यूटन का फोर्स इस पे अप्लाई किया जाएगा. तो 5.4 न्यूटन, ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी. बी ऑप्शन में गिवन है 5.4 न्यूटन, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम्स इन विच द आउटपुट हैज नो इफेक्ट ऑन द कंट्रोल एक्शन आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग. वैसा सिस्टम जिसके आउटपुट पर कंट्रोल एक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, आउटपुट में कंट्रोल एक्शन का कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आता है, इट मींस वो सिस्टम हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा. क्योंकि जब क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें अगर कुछ एरर आते हैं उस सिस्टम में तो उसको कंट्रोल किया जाता है बाय यूजिंग कंट्रोलर्स. हम कंट्रोलर यूज करते हैं, है ना, फॉरवर्ड पाथ में हम कंट्रोलर यूज करके उसको हम कंट्रोल करते हैं, कुछ कंट्रोलिंग एक्शंस हम वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से आउटपुट में फर्क पड़ता है. आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है, राइट. लेकिन इस क्वेश्चन में कहा है कि आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े उस कंट्रोल एक्शन का, इट मींस जो हमारा सिस्टम रहा होगा वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम रहा होगा, राइट. ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी. बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20. इस क्वेश्चन में कहा है कि अब बक कन्वर्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल अ डीसी मोटर. बक कन्वर्टर इज यूज्ड टू कंट्रोल अ डीसी मोटर. द इनपुट टू डीसी बक कन्वर्टर इज 200 वोल्ट. इनपुट है 200 वोल्ट. फाइंड द ड्यूटी रेशियो ऑफ द पल्स टू बी अप्लाइड टू द कन्वर्टर टू प्रोड्यूस 150 वोल्ट अक्रॉस द डीसी मोटर. यहां पर बक कन्वर्टर की बात की जा रही है. इन केस ऑफ बक कन्वर्टर, बक कन्वर्टर के लिए जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा अल्फा इनटू इनपुट वोल्टेज, राइट. अल्फा यहां पर है ड्यूटी साइकिल, राइट. सो यहाँ पर अल्फा ही आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला है. आउटपुट वोल्टेज गिवन है 150 वोल्ट, जबकि इनपुट हमने अप्लाई किया है कितना, इनपुट अप्लाई किया गया है 200 वोल्ट. सो व्हाट अबाउट द अल्फा? अल्फा विल बी इक्वल टू 150 अपॉन 200, इट मींस व्हाट, 3/4 ना? यस, 3/4. 3/4 मींस व्हाट? 0.75. इट मींस 75%, राइट. 75% will be the duty ratio of this converter. Duty ratio कितना आया? 75%, यानी कि D option will be the correct answer for this question. Okay. Next question देखते हैं. Question number 21. Read करिए इसको. A system has the input-output relation DCT upon DT plus 2CT is equal to RT, where CT is the output and RT is the input to the system. Determine the unit step response to the system is what? एक सिस्टम है जिसके लिए इनपुट आउटपुट का रिलेशन आपको दिया गया है इन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म, राइट. जो इक्वेशन आपको दिया गया है वो ऐसा है, dCT upon dt प्लस 2CT, दिस इज इक्वल टू RT. RT यहां पर इनपुट है, CT यहां पर आउटपुट है, ओके. और इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो इनपुट है, RT इज द इनपुट टू द सिस्टम. डिटरमिन द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स मीन्स वॉट? सिस्टम का रिस्पॉन्स जबकि हमने इनपुट अप्लाई किया हो यूनिट स्टेप, वही रिस्पॉन्स कहलाता है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स. यानी कि इनपुट के बारे में इसने कहा है कि जो इनपुट है वो है स्टेप रिस्पॉन्स है, वो भी सॉरी जो हमारा इनपुट है वो स्टेप सिग्नल है, वो भी यूनिट स्टेप सिग्नल है. यानी कि RT का जब हम लैपलेस लेंगे तो ये हो जाएगा RS इज इक्वल टू 1/S.
जो आर टी इनपुट है इसका लैपलेस लेंगे तो आर एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेप सिग्नल है। और सी एस हमें फाइंड आउट करना है कि सी एस कितना हो जाएगा। ओके, तो ये जो सिस्टम है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया गया है, इसका हम लैपलेस में इसका लैपलेस फॉर्म हम देखेंगे कि क्या होगा। डी सी टी अपॉन डी टी, इसका लैपलेस कितना होगा। सी टी का लैपलेस अगर सी एस होता है तो सी टी के डिफरेंशिएशन का लैपलेस होगा एस इंटू सी एस, राइट। सो लैपलेस इसका हो जाएगा, देखो, एस इंटू सी एस और प्लस टू सी टी है तो टू सी एस हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू वॉट आर एस, आर टी का जो लैपलेस होगा वो कितना होगा, आर एस होगा, राइट। यहां से सी एस हमारा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा एस प्लस टू इंटू सी एस, दिस इज इक्वल टू वॉट आर एस। सो सी एस हमें लिखना है कि सी एस कितना होगा, तो सी एस विल बी इक्वल टू हो जाएगा आर एस अपॉन एस प्लस टू, और आर एस क्या है, आर एस है वन अपॉन एस। सो सी एस कितना हो जाएगा, यहां से सी एस हो जाएगा वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू। ये दिस इज आउटपुट, यही है हमारा स्टेप रिस्पॉन्स, लेकिन ये लैपलेस फॉर्म में है, हमें टाइम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका लैपलेस इनवर्स लेना पड़ेगा। लैपलेस इनवर्स हम इसका लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू का पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होगा, सी एस इज इक्वल टू वेट, सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो कैसा आएगा, ये एक डिनोमिनेटर होगा s, दूसरा डिनोमिनेटर होगा s प्लस टू। s का जो न्यूमरेटर होगा s इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और s प्लस टू का जो न्यूमरेटर होगा वो कितना होगा, s इज इक्वल टू माइनस टू पुट करना है तो माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा ऐसा। यानी कि यदि हम इसका लैपलेस इनवर्स करें तो सी टी हमारा हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा माइनस 0.5 और e रेज टू द पावर माइनस 2t हो जाएगा। दिस इज द लैपलेस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स आएगा, जो आउटपुट आएगा स्टेप सिग्नल को प्रोवाइड करने के बाद, वो सी टी हमारा ये होगा 0.5 माइनस 0.5 e रेज टू द पावर माइनस 2t। यहाँ से आप चाहें तो 0.5 को कॉमन ले लीजिए, सो 0.5 वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2t, ये हो जाएगा। ऑप्शंस देख लीजिए, 0.5 वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2t, बी और सी दो ऑप्शंस यहां पर हैं, बी और सी। यहां पर देखिए जो ऑप्शन बी है उसमें टाइम का लिमिट गिवन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, लेकिन ये इनकरेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टेप सिग्नल जो हमने अप्लाई किया है, जो हमने इनपुट लगाया है, वो हमारा है यूनिट स्टेप सिग्नल। और यूनिट स्टेप सिग्नल होता कैसा है, यहां देखो, यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा ऐसा होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल ऐसा होता है, ये यानी कि t is equal to 0 पर ये हो जाएगा 1, उसके बाद ये 1 रहेगा, लेकिन t is equal to 0 से पहले इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि कोई भी इनपुट इसमें अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो t is equal to 0 से पहले जब हमने कोई इनपुट ही अप्लाई नहीं किया तो आउटपुट कहां से आ जाएगा, राइट। यहां पर जो टाइम का लिमिट गिवन है ऑप्शन बी में, ये है टी लेस देन जीरो के लिए भी है, टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए है ना। तो टी लेस देन जीरो के लिए तो इनपुट ही अवेलेबल नहीं था, इनपुट था जीरो, तो जब इनपुट जीरो था तो आउटपुट भी जीरो होगा, राइट। सो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। अब जो हमारा ऑप्शन सी है उसमें देखिए जो टाइम का लिमिट है वो है टी ग्रेटर देन जीरो, बिल्कुल t is equal to 0 पर हमारा स्टेप सिग्नल एक्टिवेट होता है, राइट। स्टेप सिग्नल कहाँ एक्टिवेट होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल, ये t is equal to 0 पर एक्टिवेट होता है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। उससे पहले तो 0 रहती है, तो t greater than 0 के लिए जो आउटपुट है वो हमारे पास अवेलेबल होगा, और वो होगा ये
0.5 इंटू वन माइनस e रेज टू पावर माइनस टू टी, यानी कि सी ऑप्शन को आप यहां पर मार्क करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू इज व्हाट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली इसने बस एक रिलेशन पूछा है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेट फोर्स जो होगा ये हो जाता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हो जाता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। वैसे भी अगर कोई भी हमारा एक पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से अगर आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या करते हैं, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको फाइंड आउट करना है ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, तो आप उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रख देते हैं। आपने उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाके रखा, अब वो जो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस फोर्स को हम मेजर कर लेते हैं, और वही फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स अप्लाई किया जाएगा, जितना फोर्स उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तभी तो ये कहलाता है फोर्स अपॉन चार्ज, एफ बाई क्यू। ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन एफ बाई क्यू, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन व्हाट ब्लॉक्स करंट, ड्रॉप अ लार्ज वोल्टेज, हैज अ हाई रेसिस्टेंस एंड कंडक्ट्स करंट। क्वेश्चन नंबर 23। डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन ये क्या करता है, एक डायोड ये दो मोड को सपोर्ट करता है, एक तो होगा फॉरवर्ड कंडक्शन और दूसरा होगा रिवर्स ब्लॉकिंग। दो मोड को सपोर्ट करता है ये डायोड डी। फॉरवर्ड कंडक्शन कहने का मतलब है कि जब आप इसके अक्रॉस फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करोगे, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है, देखो फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करने का मतलब है कि ये है डायोड, डायोड का ये हो जाएगा एनोड टर्मिनल, ये हो जाएगा कैथोड टर्मिनल। तो एनोड को हमें पॉजिटिव से सप्लाई देना है और नेगेटिव से हमें कनेक्ट करना है कैथोड को। इट मींस हमने इसको क्या किया है, फॉरवर्ड सप्लाई दिया है, फॉरवर्ड वोल्टेज हमने इसको सप्लाई दिया है। तो ऐसे केस में क्या होगा, डायोड हमारा कंडक्ट करेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज हमने अप्लाई किया है तो डायोड हमारा कंडक्ट करेगा, कंडक्ट्स। ओके और जैसे ही हम इसमें वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, यानी कि कैथोड को देंगे पॉजिटिव टर्मिनल से सप्लाई और जो हमारा एनोड है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो डायोड रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये क्या करेगा, रिवर्स बायस में ये ब्लॉक कर देगा वोल्टेज को। हाँ, अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो थोड़ा बहुत उसमें लीकेज करंट होगा, लेकिन हम लीकेज करंट की बात नहीं कर रहे, वो तो लीकेज करंट है ना, कोई वहां पर डिफ्यूजन या फिर ड्रिफ्ट करंट नहीं है, लीकेज करंट है वो, राइट। सो लीकेज करंट है उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, हम ये बोलेंगे वहां पर कि वोल्टेज को उसने किया है ब्लॉक, राइट। इसलिए दो मोड को सपोर्ट करता है, फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है, रिवर्स में ब्लॉक करता है। ओके सो इसने पूछा है कि डायोड अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये कंडक्ट करता है, रिवर्स बायस में ये ब्लॉक करेगा। फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करता है, इट मींस डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, 4 ओम रेसिस्टर हैज अ करंट I इज इक्वल टू 2.5 साइन ओमेगा टी एम्पियर, ये करंट है
4 ओम के रेसिस्टर से ये करंट फ्लो करता है। फाइंड द पावर डेसिपेटेड इन द रेसिस्टर, रेसिस्टर में कितना पावर डेसिपेट होगा ये हमसे पूछा है। ओके अब इसने सिर्फ लिखा है पावर डेसिपेटेड, तो एवरेज पावर तो होता है आरएमएस, आरएमएस करंट स्क्वायर इनटू आर, लेकिन यहां पर एवरेज की बात नहीं किया गया, सिर्फ इसने पावर पूछा है। जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें साइन टर्म मौजूद है, इट मींस ये इंस्टेंटेनियस पावर की बात कर रहे हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा इंस्टेंटेनियस पावर, पी इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस पावर हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का स्क्वायर इनटू आर, और यही यहां पर सूटेबल होगा क्योंकि आपको करंट की वैल्यू गिवन है और रेसिस्टर की वैल्यू गिवन है। तो करंट कितना गिवन है, करंट है 2.5 साइन ओमेगा टी, इसका करना है स्क्वायर और रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है विच इज 4 ओम। देखो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है ओमेगा उसका स्क्वायर मत कर देना, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर कर दिए, ऐसा नहीं करना है। साइन ओमेगा टी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ओमेगा टी, राइट, इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो 2.5 का स्क्वायर ये हो जाएगा 6.25 ना, 6.25 इंटू 4, हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, दिस इज 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर, राइट, 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन में गिवन है, देखिए सी ऑप्शन में गिवन है 25 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ये ऑप्शन ए में ओमेगा स्क्वायर भी किया हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर टी, इसको मार्क मत कर देना। डी ऑप सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी dy upon dt plus ky is equal to u, where m, b, k are constants, ठीक है, y and u are the time varying quantities, okay, how many state variables are required for the system to be represented in state space form? अच्छा, इसमें पूछा है कि इसमें कितने स्टेट वेरिएबल्स होंगे और इसका जो ऑर्डर गिवन है वो है 2, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ये, इक्वेशंस जो इसका लिखा हुआ है वो ऐसा है एम डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वाई अपॉन डी टी प्लस के वाई इज इक्वल टू यू। यहां पर देखो जो हाईएस्ट पावर है डेरिवेटिव टर्म का, जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है, 2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, ऑर्डर 2 मींस इसमें नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स कितने होंगे, 2 होंगे। अगर हाईएस्ट पावर होता dy upon dt का जो हाईएस्ट पावर है वो अगर जो 3 होता तो स्टेट वेरिएबल्स कितने होते, कितने नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती, 3, ओके, यहां पर ऑर्डर है 2 तो नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल्स होंगे 2, डी में गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है 2, सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, If 3 capacitances of 60 microfarad each is connected in series, then its equivalent capacitance is what? 3 capacitance है 60 microfarad each, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? एक कैपेसिटेंस ये है, दूसरा कैपेसिटेंस ये है, तीसरा कैपेसिटेंस ये है, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया है, दिस इज 60 microfarad. This is also 60 microfarad. This is 60 microfarad. तीनों 60 microfarad के हैं, तो C equivalent ये हो जाएगा
60 माइक्रोफैराड डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पर तीन कैपेसिटेंस हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, 60 बाय 3 इट मींस 20 माइक्रोफैराड। ऑप्शंस देख लीजिए, सी ऑप्शन में गिवन है 20 माइक्रोफैराड, सो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, अ जनरेटिंग स्टेशन हैज अ मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 मेगावाट, लोड फैक्टर गिवन है 60% एंड द प्लांट कैपेसिटी फैक्टर ऑफ 50% एंड अ प्लांट यूज फैक्टर है 72%, फाइंड द रिजर्व कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। यहां पर हम प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, मल्टीप्लाई विथ लोड फैक्टर, डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी, रेटेड प्लांट कैपेसिटी। यहां पर जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो कितना गिवन है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर गिवन है 50%, यानी कि 0.5। दिस विल बी इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड गिवन है 25 मेगावाट, सो 25 मेगावाट इनटू लोड फैक्टर कितना है, लोड फैक्टर ऑफ 60%, यानी कि 0.6 डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी। यहां से हम रेटेड प्लांट कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे, सो यहां से हो जाएगा रेटेड प्लांट कैपेसिटी, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 0.5, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू 0.6 इंटू 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 30। यहां से ये हो जाएगा 30 मेगावाट, तो 30 मेगावाट इसका हो गया रेटेड प्लांट कैपेसिटी, और जो मैक्सिमम डिमांड है वो कितना है, वो है 25 मेगावाट। तो जो रिजर्व कैपेसिटी होगा वो कितना होगा, 30 - 25 इट मींस 5 मेगावाट, सो रिजर्व कैपेसिटी विल बी 5 मेगावाट। ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, इसको देखिए। इस क्वेश्चन में गिवन है एन एनर्जी मीटर हैज अ कांस्टेंट ऑफ 300 रेवोल्यूशंस पर यूनिट, इट मेक्स 10 रेवोल्यूशंस इन 30 सेकंड्स व्हेन इट इज यूज्ड फॉर एनर्जी मेजरमेंट, फाइंड द कनेक्टेड लोड इन किलोवाट। मीटर कांस्टेंट गिवन है, यहां पर मैं लिखता हूं मीटर कांस्टेंट के, मीटर कांस्टेंट के गिवन है 300 revolutions per unit, यानी कि जो एनर्जी मीटर है, यदि 1 यूनिट का पावर कंज्यूम किया जाएगा तो एनर्जी मीटर के जो डिस्क होते हैं, जो एल्यूमिनियम का डिस्क होता है, वो 300 टाइम्स रोटेट करेगा, राइट, यानी कि उसके जो revolutions होंगे 1 यूनिट के लिए वो हो जाएगा 300 revolution। अब इसने कहा है कि इट मेक्स 10 revolutions इन 30 seconds, 1 यूनिट मींस व्हाट, यहां जो 1 यूनिट लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, 1 यूनिट मींस 1 किलोवाट आवर, यानी कि 1 आवर में अगर 1 किलोवाट का पावर लिया जा रहा है किसी भी लोड के द्वारा, तो वो कहलाएगा कि वो 1 यूनिट का पावर वो कंज्यूम करते हैं, राइट। 1 यूनिट की एनर्जी कंज्यूम करने का मतलब है कि 1 किलोवाट का पावर 1 आर तक के लिए लेना। ओके, सो
यहां पर गिवन है इट मेक्स 10 रेवोल्यूशन इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन करता है तो 1 आवर में कितने रेवोल्यूशन लगाएंगे? यहां पर 30 सेकेंड्स में 10 रेवोल्यूशन, सो 1 आवर में, 1 आवर मीन्स वॉट 3600 सेकेंड्स, इतने सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन लगाएगा? सो 10/30 × 3600, इट मीन्स ये हो जाएगा 1200 रेवोल्यूशन। जो मीटर का डिस्क है वो 1200 रेवोल्यूशन करेगा इन 1 आवर। 1 आवर में 1200 रेवोल्यूशन करने का मतलब है कि 4 किलोवाट का वो पावर ले रहा होगा, राइट? क्योंकि 1 किलोवाट का पावर अगर 1 आवर के लिए लेता है तो 300 रेवोल्यूशन करेगा, लेकिन ये 1200 रेवोल्यूशन कर रहा है 1 आवर में, इट मीन्स ये 4 किलोवाट का पावर ले रहा होगा, राइट? सो 4 किलोवाट का पावर 1 आवर के लिए लेता है, इट मीन्स जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? 4 यूनिट। लेकिन इसने एनर्जी नहीं पूछा, इसने पूछा कनेक्टेड लोड इन किलोवाट, तो किलोवाट में कितना होगा? 4 किलोवाट होगा। ऑप्शंस कौन से सही होंगे? लास्ट ऑप्शन डी, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन में कहा है कि गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू 2xAx − 4yAy वोल्ट पर मीटर, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम 200 मीटर टू 000 मीटर एंड देन फ्रॉम 000 मीटर से लेकर 020 मीटर तक। यानी कि 2 बार इसको डिस्प्लेस किया जाता है और कितना वर्क डन होगा वो हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है। देखिए, सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, राइट? यहां पर जो चार्ज है वो इनिशियली कहां पर है? 200 पर है, यानी कि x एक्सिस में 2 डिस्टेंस, यहां पर x एक्सिस में 2 डिस्टेंस है, y में 0 है और z में भी 0 है। ओके, तो x एक्सिस पर ये चार्ज रखा हुआ है, दिस इज अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। ओके, Q इज इक्वल टू वॉट? 2 कूलम का चार्ज है। इसको यहां से ले जाया जाता है कहां तक? 000 पर, यानी कि ओरिजिन पर लेके जाया जाता है। ये है, ये जो पॉइंट है दिस इज 000। तो यहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन लगेगा वो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये हमारा फर्स्ट वर्क डन है, W1 में लिखता हूं फर्स्ट वर्क डन, ये हो जाएगा -Q। उसके बाद इंटीग्रेशन फ्रॉम व्हाट? x1 से लेकर x2, x एक्सिस में ये चेंज हो रहा है ना, तो x एक्सिस में जो इनिशियल है x1 से लेकर x2 था, और ये क्या हो जाएगा? E.dx, राइट? सो W1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा माइनस, जो चार्ज q है वो कितना है? वो 2 कूलम्ब है। इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक? x1 से x2, इसमें जो चेंज हो रहा है x1 से x2, यानी कि 2 से 0, x की वैल्यू 2 से लेकर x की वैल्यू 0 तक, इसमें चेंज हो रहा है। E.dx, E इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है? 2x है, 2xAx, यानी कि जो x एक्सिस के अलोंग इसका जो कंपोनेंट है वो कितना है? 2x है, तो 2x हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड dx। ओके, सो W1 को फाइंड आउट करिए, यहां से ये हो जाएगा -2 और 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के। उसके बाद x को हम इंटीग्रेट करेंगे, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² / 2, तो यहाँ पर बाय 2 कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा x², लिमिट पुट करेंगे 2 से लेकर 0 तक। सो W1 कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा -2 और x की वैल्यू हम पुट करेंगे 0, सो 0 माइनस x की वैल्यू हमें पुट करना है 2, यानी कि 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? दिस इज 8 जूल, राइट? 8 जूल ये हो जाएगा वर्क डन, फर्स्ट वर्क डन हो गया। उसके बाद फिर से इसने कहा है कि जो 000 वाला पॉइंट है
वहां से इस चार्ज को फिर से मूव किया गया 0 to 0 पर, यानी कि अब इसको हम y एक्सिस में लेके जा रहे हैं, y एक्सिस में, यहां पर y एक्सिस, यहां पर, यहां पर क्या है, दिस पॉइंट इज 0 to 0। अब इस चार्ज को हमें यहां लेके जाना है, तो दूसरा वर्क डन हम फाइंड आउट करेंगे कि W2 कितना होगा। W2 ये कितना होगा, माइनस Q इंटीग्रेशन। अब देखो y एक्सिस में चेंज हो रहा है, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम y1 से y2, उसके बाद E डॉट dy, ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस Q की वैल्यू है 2, इंटीग्रेशन y1 से y2। y1 कितना है, जहां से स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट हुआ है 0 से और जाएगा कहां तक, 2 तक जाएगा। E डॉट dy, E की वैल्यू कितनी है, माइनस 4y है dy, ठीक है। दिस इज इक्वल टू -2 × -4, -4 हमारा कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, -2 × -4 ये हो जाएगा 8। उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं 0 to 2 y dy, सो y का इंटीग्रेशन करोगे, दिस इज y, y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y² / 2, तो ये हो जाएगा 8/2 और y स्क्वायर, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 2, सो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 4 × 4 − 0, 4 × 4 − 0 ये कितना हो जाएगा, 16 ना, ये हो जाएगा 16 जूल। तो एक वर्क डन आया है 8 जूल, दूसरा वर्क डन आया है 16 जूल, सो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल वर्क डन ये हो जाएगा 16 + 8 यानी कि 24 जूल। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है अ सिंगल पल्स विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर इज यूज्ड टू ड्राइव अ लोड, फाइंड द एंगल ऑफ शिफ्ट टू प्रोड्यूस आरएमएस आउटपुट वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इफ द इनपुट डीसी वोल्टेज इज 120 वोल्ट। सिंगल PWM इन्वर्टर है, इसमें जो आउटपुट RMS वोल्टेज है वो गिवन है, आउटपुट RMS वोल्टेज को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा Vs into root over 2d/π, या तो आप 2d/π लिख लो या फिर 2d/180 लिख लो, राइट। 2d को अगर आप डिग्री में लिखोगे तो 2d/180 कर लो, रेडियन में लिखना चाहते हो तो 2d/π कर लो, ठीक है। आउटपुट RMS कितना है, RMS आउटपुट वोल्टेज है 100, अप्लाइड वोल्टेज कितना है 120, रूट ओवर 2d/180 कर रहे हैं, तो 2d की वैल्यू हमें डिग्री में मिल जाएगी, ओके। सो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से ये हो जाएगा, यहां से देखो 100/120, this will be equal to root over 1, sorry, this is 2d na, wait, root over of 2d/180, राइट। यहां से आप 2d को फाइंड आउट करोगे तो 2d कितना हो जाएगा, 2d विल बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 100/120, देखो 100/120 का स्क्वायर इनटू हम करेंगे 180, सो कितना हो जाएगा, की वैल्यू यहां से हमें मिल चुकी है 125 डिग्री, ओके। ऑप्शंस देख लीजिए, बी ऑप्शन में गिवन है 125 डिग्री, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। सो आज के सेशन में बस इतना तक ही रखेंगे, जो ये क्वेश्चन का सीरीज है इसमें जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं इसमें कंप्लीट 150 क्वेश्चंस हैं, तो इसी तरीके से पार्ट वाइज हम इसको डील करने वाले हैं, ओके। तो ये रहेगा इसका फर्स्ट पार्ट, इसके बाद पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे, राइट।